आज़ादी, आज़ादी का सही अर्थ है स्वतंत्रता, मुक्त होना, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का अधिकार। एक छोटी लड़की के लिए ये अपने सपनों की उड़ान है, एक किसान के लिए अपने खेत में खुल के जीने का अधिकार है ये, वहीं एक महिला के लिए अपनी पहचान बनाने का अधिकार ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज़ादी के असल मायने क्या हैं? प्राचीन भारत विश्व के ज्ञान और विज्ञान का केंद्र था। हमारे इस प्यारी धरती पर वेदों और उपनिषदों का ज्ञान, योगा और व्याकरण का जन्म हुआ। लेकिन समय के साथ साथ भारत पर कई बार आक्रमण हुए और हमारी स्वतंत्रता पर प्रश्न उठने लगे। नचिकेता, एक ऋषि पुत्र जब यम मृत्यु के देवता से मिलते हैं तो उनसे एक सवाल करते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ये सवाल मृत्यु का ही नहीं बल्कि आत्मा के स्वतंत्रता का भी था। यम उन्हें समझाते हैं कि असली स्वतंत्रता तब मिलती है जब आत्मा अपने बंधनों से मुक्त होती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि प्राचीन भारत में स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आत्मा और मन की स्वतंत्रता भी थी। मध्यकालीन भारत में राजपूतों, मराठों और सिखों ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण तक त्याग दिए। महाराणा प्रताप ने कभी अपनी स्वतंत्रता को अंग्रेजी शासन के नीचे नहीं झुकने दिया। उनका संदेश था, जब तक एक राजपूत के हाथ में भी तलवार है तब तक मेवाड़ आज़ाद रहेगा। उनका ये आज़ादी के लिए समर्पण भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत है। 200 सालों तक भारत अंग्रेजी शासन के नीचे दबा रहा। अंग्रेजों ने सिर्फ हमें आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाया। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश ब्रिटिश शासन से मुक्त हुआ। लेकिन इस एक दिन के पीछे कई सालों के संघर्ष की कहानी छिपी हुई है। महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजी हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया। वहीं भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांति का रास्ता अपनाया और देश की आज़ादी के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। आज़ादी के बाद भारत को एक नए अध्याय की शुरुआत करनी थी। एक नया संविधान तैयार हुआ जो सबको बराबरी का अधिकार देता है। लेकिन आज़ादी के साथ साथ हम पे जिम्मेदारियाँ भी आती। उन जिम्मेदारियों को समझते हुए हमें अपने समाज से उन बुराइयों को निकाल फेंकना होगा जिनकी वजह से हमारा समाज, हमारा भारतवर्ष लगभग 1000 सालों की गुलामी झेलता रहा। तो आइए इस 15 अगस्त अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए आज़ादी का उत्सव मनाएं और प्रतिज्ञा करें कि हम भारत को दुनिया में एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। जय हिंद।